डायबिटीज़, नाम तो सुना होगा। किसी बीमारी के साथ ये फिल्मी डायलॉग इतना सूट करेगा ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा होगा, मगर अब है ऐसा ही। हर घर में एक ना एक डायबिटीज़ मरीज है ही। ऐसा भी नहीं है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती या इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी ज़रूर हैं जिनकी वजह से आप कितना भी इलाज करवा लें, कितनी भी दवाई खा लें, आपकी डायबिटीज़ की समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप डायबिटीज़ को सच में कंट्रोल करना या ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दवाओं के साथ सबसे पहले ये चार आदतें भी छोड़नी होंगी। पहली आदत है एक्सरसाइज ना करना, इस आदत को छोड़ दें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप पर दवाओं का असर भी कम होगा। रोजाना कम से कम 40 से 45 मिनट पैदल जरूर चलें, इससे ब्लड शुगर खुद ब खुद कंट्रोल होने लगेगा। इसमें आप अपनी पसंद और सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज चुन सकते हैं। दूसरी आदत है मोटापा। मोटापा आदत नहीं, लेकिन आपके लाइफस्टाइल की बदौलत आपको मिली एक समस्या है। अगर आप अपना वजन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो शुगर की दवा भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मीठा खाना ही नहीं, बढ़ता वजन भी डायबिटीज का अहम कारण होता है। तीसरी बात है खराब खानपान। शुगर की दवा तो खा ही रहे हैं, तब खाने में कैसा भी कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपनी ये सोच जल्दी से बदल लीजिए। अगर आप मैदे या चीनी वाले तले हुए खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने लगते हैं तो आपकी शुगर की दवा भी बेअसर होने लगती है। दवा अच्छे से काम करे इसके लिए फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, जैसे फल, पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज। चौथी और सबसे अहम आदत है आपका तनाव लेना। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं तो भी डायबिटीज़ की दवा बेहतर तरीके से काम नहीं करेगी। तनाव होता है तो बीपी बढ़ जाता है और इसी के साथ शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है। इसे कंट्रोल करने के लिए रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें, फिल्में देखें, संगीत सुनें, पसंदीदा काम करें, पसंदीदा लोगों के साथ टाइम बिताएं। इससे तनाव कम होगा और डायबिटीज़ भी।